उत्तर प्रदेश में तीन महत्वपूर्ण जानकारियां सामने निकल कर आई हैं। पहला है उत्तर प्रदेश में बढ़ सकता है 31 मई तक लॉकडाउन, और वहीं पर दूसरी जानकारी है एक नई जानकारी फ्री राशन और 1000 रुपए को लेकर, और तीसरा है ब्लैक फंगस को उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है महामारी घोषित। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों टॉपिक के ऊपर जानकारी देने वाले हैं। तो 31 मई तक लग जाएगा लॉकडाउन, जल्द ले ले फ्री राशन और बचे रहे कोरोना और ब्लैक फंगस से, पल भर में ले ले रहा है जान। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन तीनों टॉपिक पर, तो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की, तो दोस्तों प्रदेश में अब 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी है। अगर आपका कोई काम रुका है तो जल्द ही कर ले, क्योंकि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। आज 22 मई हो गया है, 24 मई के सुबह 7 बजे के बाद लॉकडाउन खुलने की तैयारी है, लेकिन वहीं पर बताया जा रहा है कि 31 मई तक लॉकडाउन लग सकता है। दोस्तों आपको पता है कि लगातार संक्रमण जो है उसका ग्राफ ढलने लगा है, गिरने लगा है, चिंता अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि मरने वालों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ हो रही है, कोरोना संक्रमण भले ही लोगों में कम फैल रहा है, लेकिन अब जो है इसकी जान ज्यादा जा रही है, डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे हालातों में यूपी में आंशिक लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाए जाने की तैयारियों के संकेत मिल रहे हैं। बता दें उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद प्रदेश में लगभग सभी जिलों में मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। संक्रमण की दर भी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, लेकिन जो डेथ रेट है, जो लोगों की मृत्यु हो रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, और यही कारण है कि राज्य सरकार लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने के फैसले पर विचार कर रही है। और अगर बात करें फ्री राशन की, तो योगी सरकार 15 करोड़ राशन कार्ड धारकों को निशुल्क राशन का वितरण कराएगी। आयुक्त खाद्य एवं रसद मनीष चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इस चरण में पोर्टेबिलिटी के तहत 20 से 31 मई तक निशुल्क राशन दिया जाएगा, जिसका काम 29, 30 और 31 को होगा। यानी पोर्टेबिलिटी से अगर आप राशन लेना चाहते हैं तो 29, 30 और 31 को मिलेगा। इसके तहत प्रति यूनिट 5 किलो राशन में 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल है। वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों व प्रवासी मजदूरों को उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने की सुविधा होगी, और इसके साथ ही जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इसके बारे में मैंने पहले से एक वीडियो में जानकारी दी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गरीबों को 1000 रुपए आज से मिलना शुरू हो जाएगा, ये नई जानकारी है, और फ्री राशन आपको मिल रहा है, जाकर आप ले सकते हैं। लेकिन वो अभी राशन केंद्र सरकार की तरफ से है, योगी सरकार की तरफ से आपको फ्री राशन जो है वो जून जुलाई और अगस्त में मिलेगा। और बात करें अगर यूपी में ब्लैक फंगस की, तो यहाँ पर महामारी घोषित कर दी गई है। राज्य में करीब 150 मरीज चपेट में आए हैं, लखनऊ में सर्वाधिक पेशेंट इसके दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बारे में आपको जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी पर धीरे धीरे नियंत्रण ही हो रहा था कि ब्लैक फंगस के स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी घोषित करने का आग्रह किया था। यह कोरोना मरीजों की मौत का कारण बन रहा है। बता दें यूपी बना है 8वां राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाले उत्तर प्रदेश में यह 8वां राज्य बन गया है। इससे पहले गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, असम, ओडिशा, पंजाब, चंडीगढ़ इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने गाइडलाइन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श के अनुरूप बताया है, प्रदेश सरकार सभी मरीजों को समुचित चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था करे, इसके लिए उन्होंने कहा है यूपी में करीब लगभग 150 मरीज हैं, वहीं पर लखनऊ में सर्वाधिक पेशेंट इसी के हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 150 लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। इससे सर्वाधिक 55 मरीज राजधानी लखनऊ में आए हैं। इनमें 7 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। बीते एक दिन में 4 लोगों ने इससे दम तोड़ा है। लखनऊ के केजीएमयू में ब्लैक फंगस के सर्वाधिक 34 मरीज भर्ती हैं। लखनऊ के बाद मेरठ में 52 लोगों को ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, और वहीं वाराणसी में 30 लोगों से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट जानकारी और दे दें, अभी तक आपको बता दें 31 मई तक लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आज जो है नया फैसला आ सकता है, जिसमें बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल है जो बता रहे हैं कि लॉकडाउन को अब नहीं बढ़ाया जाएगा और 24 मई तक ही लॉकडाउन रहेगा। तो आप देख सकते हैं यूपी में 24 मई के बाद हट सकता है लॉकडाउन, नए दिशा निर्देश में खुल सकते हैं बाजार। आप बता दें 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ने की उम्मीद है, तो वहीं पर कुछ लोगों का उम्मीद इस पर भी है कि 24 मई के बाद लॉकडाउन हट जाएगा, लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। तो नए दिशा निर्देश में क्या खुल सकता है आपको इसमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 24 मई के बाद बाजार खोले जा सकते हैं। सुबह से शाम 8 बजे तक बाजार खुलेंगी। हालांकि इस दौरान वीकली लॉकडाउन यानी सैटरडे संडे बंद होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के आला अधिकारी इस पक्ष में है कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बाजारों को खोलना जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार बाजार खोलने का निर्णय ले सकती है। हालांकि इस दौरान बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर भी सरकार सक्रिय है, लेकिन बावजूद उसके बाजार खुलने के पूरे आसार हैं।
आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने भी बाजार को खोलने की बात कही है। इस दौरान शनिवार रविवार को पहले की तरह बंदी रहेगी ताकि बाजारों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जा सके। जानकारों का कहना है कि प्रदेश में अब बंदी की आवश्यकता नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को मानना है कि 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा देना चाहिए, यानी एक हफ्ते का लॉकडाउन और लग सकता है। और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों का मानना है और विशेषज्ञों का कहना है कि 24 मई अब आखिरी लॉकडाउन होगा, उसके बाद सारी चीजें खुल जाएंगी। तो एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि जल्द आप फ्री राशन और 1,000 रुपए ले लें। 1,000 रुपए का आवेदन शुरू हो गया है, बहुत सारे लोगों को मिलने भी लगा है। तो अगर आपने अभी तक इसका आवेदन नहीं किया और प्राप्त नहीं किया 1,000 रुपए, तो जल्द इसका आवेदन करें, फ्री राशन प्राप्त करें। और लॉकडाउन जो है उसका आज या कल में एक नया अपडेट आएगा जिसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और आपको बता दें, ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से भी दूरी बनाए रखें, इस बीमारी से बचे रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहेंगे। तो इस प्रकार की जानकारी आपके लिए लगातार मैं लेकर आता रहता हूं। अगर कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।